बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिया नसीम, योर साइंस टीचर फ्रॉम बहरिया फाउंडेशन कॉलेज नशर ऑफ रोज। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इन माई प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस पोल्यूशन इन द एयर व्हेन दे आर बर्न्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पोल्यूशन वी फेस टू मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच आर एसिड रेन्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन्स यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। वार्मिंग मीन्स हॉट, हीटिंग अप। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डे बाई डे इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन, एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो लेट्स रीड द टॉपिक फ्रॉम द बुक। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर विच एक्ट लाइक ए लेयर ऑफ इंसुलेशन। लुक एट दिस पिक्चर। हेयर इज, दिस इज आवर अर्थ। आउटसाइड द एयर देर इज अर्थ, देर इज आउटसाइड द अर्थ देर इज अ लेयर ऑफ द एयर। दिस एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट और इंसुलेशन। The radiation from the sunlight comes in toward the earth and this layer stops it from preventing outside. Okay, so this layer is useful for earth because it keeps the earth warm, it maintains the temperature of the earth. Keep just like a glass in greenhouse. Carbon dioxide is very good at keeping the heat in this way. It is called the greenhouse gas. ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? हैव यू एवर सीन द ग्लास हाउस और ग्रीन हाउस? एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम प्लास्टिक की या शीशे की ट्रांसपेरेंट कवरिंग करके टेम्परेचर अपनी मर्जी के मुताबिक मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर अर्थ के बाहर होती है जो क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन मेकिंग अर्थ वार्म एनफ फॉर द ह्यूमन लाइफ। However, amount of carbon dioxide in the air is increasing. This is turn is increasing the greenhouse effect and causing the temperature of the earth to rise. This is global warming. You understand what is global warming? Global warming क्या है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से, ये ब्लू लेयर जो हमें नज़र आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना कि ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी है। लेकिन डे बाय डे इंक्रीज इन पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से क्या हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स जब जलते हैं तो कौन सी गैस एक्सक्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर जो है ये थिक होती जा रही है। जैसे जैसे ये लेयर थिक होती जा रही है वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर मजीद बढ़ता जा रहा है। इट्स अ प्रोसेस विच टेक प्लेस इन मिलियंस ऑफ ईयर। सडन प्रोसेस नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत डेंजरस होता है। डे बाय डे इंक्रीज इन आवर टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। सो यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ लेट्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज ग्रेजुअली? फर्स्ट ऑफ ऑल आइस कैप्स विल मेल्ट। ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट करेंगे, आइस कैप्स मेल्ट करेंगे। आइस कैप मेल्ट करेंगे तो ग्लेशियर से पानी नीचे आएगा, एज अ रिजल्ट सी लेवल राइज कर जाएगा। ठीक है, आइस कैप्स मेल्ट करेंगे, सी लेवल राइज कर जाएगा। सी लेवल जब राइज करेगा तो फिर क्या होगा, रेन्स ज़्यादा होंगी। ओवरऑल ये होगा कि हमारा सारा वेदर जो है या हमारा जो वेदर का जो हमारा पैटर्न है वो सारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा वेदर जो अब है वो नहीं रहेगा, इट विल गेट टोटली चेंज। वेदर पैटर्न विल चेंज, मोर फ्लडिंग इन लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे उतना ही पानी नीचे की तरफ आएगा लो लाइंग लेयर में और फ्लड ज़्यादा आएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड डेजर्ट्स लार्ज हो जाएंगे, क्योंकि फ्लड क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर से फर्टाइल जो सॉइल होती है अर्थ के ऊपर से फर्टाइल सॉइल को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। मोर ड्राउट्स यानी अर्थ पे जो है वो ज़्यादा अनफर्टाइल एरिया हो जाएगा, फर्टाइल एरिया कम हो जाएगा। क्रॉप्स विच ग्रो वेल इन सम एरियाज टू ग्रो लेस वेल। क्रॉप्स की ग्रोथ
कुछ एरियाज में अच्छी हो जाएगी, कुछ में ख़राब, यानी कि बैलेंस ख़राब हो जाएगा इसका। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैरिंग द इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो विच लिव इन वार्म एरियाज़। वार्म एरियाज़ में क्या होता है, मॉस्किटोज जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट डिजीज़ स्प्रेड करेगी। जब हमारे पास क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, कहत भी आएगा, खुराक की कमी होगी, एज अ रिजल्ट जो है पॉवर्टी इंक्रीज होगी, ओवरऑल वर्ल्ड पर बुरा असर पड़ेगा। सो इट वॉज द टॉपिक विच इज़ ग्लोबल वार्मिंग। योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन ऑन द बुक पेज नंबर 37। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन हाउ फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स एयर पोल्यूशन कैसे काज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिस्चार्ज विच क्रिएट एयर पोल्यूशन। सेकेंड, नेम 3 गैसेज दैट कॉज एसिड रेन टू बी एसिडिक। इन द टॉपिक एसिड रेन वी हैव लर्न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड, दीज आर द एसिडिक गैसेज। हाउ एसिड रेन किल ट्रीज। द एसिडिक नेचर ऑफ द रेन डैमेज द ट्रीज। वट हैपन्स टू हीट एनर्जी दैट रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। द हीट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। एक्सप्लेन वेन कार्बन डाइऑक्साइड कॉल द ग्रीन हाउस गैस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ ग्रीन हाउस एंड इट ट्रैप द सोलर एनर्जी। नेम वन ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, देर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वट इज ग्लोबल वार्मिंग, वी हैव रीड द टॉपिक रिसेंटली। द डे बाई डे इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग कॉज लीड टू फ्लड ऑफ लो लाइंग एरियाज। ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड्स कैसे आते हैं। वैन द ग्लोबल वार्मिंग कॉज द ग्लेशियर्स टू मेल्ट, द वाटर कम्स टू द लो लाइंग एरियाज एंड कॉज द फ्लड विच डैमेज द अर्थ। इट वॉज अवर लेक्चर टूडे। वी एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।